दोस्तों, एक बात उस समय की है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक खचाखच भरे ऑडिटोरियम में अपना संबोधन दे रहे थे। उसी बीच एक नवयुवक खड़ा हुआ और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से एक सवाल पूछा कि आप किसी भी व्यक्ति में किस क्वालिटी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जो हर व्यक्ति में होनी ही चाहिए। तो इस पर डॉक्टर साहब का जवाब था कि मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति में कुछ और क्वालिटी हो ना हो, चाहे वो व्यक्ति ज्यादा स्मार्ट ना हो, चाहे वो व्यक्ति बहुत अच्छा टॉकेटिव ना हो, कुछ में और कोई क्वालिटी हो ना हो, चाहे वो इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन एक क्वालिटी उसमें हमेशा होनी ही चाहिए, वह है उसका सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात इतनी सरलता से उन्होंने कह दी। हमारे जीवन में एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए एक छोटे से किस्से को डिस्कस करते हैं। हुआ यूं कि किसी शहर में दो सगे भाई रहा करते थे। एक भाई बड़ा ही झगड़ालू किस्म का था, हमेशा जुआ खेलना शराब पीना उसका शौक था और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से तिरस्कृत था। दूसरा भाई बड़ा इज्जतदार व्यक्ति था, हमेशा दूसरों की सहायता करना, मुस्कुराकर बात करना, दया भाव दिखाना, यह उनकी क्वालिटी थी। जब भी लोग इन दोनों भाइयों को देखते थे हमेशा आश्चर्य में पड़ जाते। एक बार एक दार्शनिक से रहा न गया। वह दार्शनिक सबसे पहले वाले भाई के पास गया और उनसे पूछा, अरे भाई, आप दिन भर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े शराबी थे। वे जब भी शराब पीकर घर आते थे तो मेरी माँ को मारा करते थे। बचपन से हमारी परवरिश ऐसी हुई है, तो आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं? बात में बिल्कुल दम था। यह सुनकर दार्शनिक सोच में पड़ गया कि बात तो बिल्कुल ठीक कही है, परवरिश ही ऐसी हुई है, तो इसमें इसका क्या दोष है? लेकिन यही सिद्धांत तो दूसरे भाई पे भी लागू होता है। अब उसका माथा और ज्यादा ठनका। उसने निश्चय कर लिया कि वह दूसरे भाई से भी जाकर यह बात पूछेगा। अगले दिन वह दूसरे भाई के पास गया और उनसे पूछा कि आप इतने अच्छे इज्जतदार व्यक्ति हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, सुसभ्य हैं, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, मैंने बचपन से अपने पिताजी को शराब पीकर घर आकर अपनी माँ को मारते हुए देखा है। इससे हमारे घर में कभी सुख शांति नहीं रही, हमेशा कलह का वातावरण बना रहता था। बचपन से मैंने ठान लिया था कि यह शराब एक सामाजिक बुराई है और मैं बड़ा होकर इसे जड़ से खत्म कर दूंगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों को जागरूक किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। दोस्तों, यही सिद्धांत हमारे जीवन पे लागू होता है। कुछ लोग अपनी हर असफलता के लिए अपनी आसपास की परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी अपने माता पिता को, कभी अपने गुरुजनों को और कभी अपने आसपास के माहौल को। वे हमेशा यही बहाना बनाते हैं कि काश मुझे थोड़ा और अच्छा माहौल मिला होता, और अच्छे माता पिता मिले होते या और अच्छे गुरुजन मिले होते, तो आज मैं कहीं और होता। फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से हमें साफ संदेश मिलता है कि यदि हमारा नजरिया सकारात्मक है तो परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दो सगे भाई जो एक ही परिवार में पले बड़े हैं, जिनकी परवरिश एक जैसी हुई है, फिर भी अपने सकारात्मक और एक नकारात्मक नजरिए के कारण अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं। एक ने बुराई का रास्ता अपना लिया तो एक ने अच्छाई का। यह हमारा नजरिया ही तो है दोस्तों, जो हमें अंदर से प्रेरित करता है कि हमें क्या जीवन को देखना है, हमने किस प्रकार का चश्मा अपनी आंखों पर लगा रखा है। यदि हमने पीला चश्मा लगा रखा है तो हमें दुनिया पीली नजर आएगी, और यदि हमने नीला चश्मा लगा रखा है तो हमें नीली नजर आएगी। यह सकारात्मक चश्मा ही हमें दुनिया को सकारात्मक दिखाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, कि हम लोगों के गुण देखते हैं या अवगुण देखते हैं। कहीं हम उस मक्खी की तरह तो नहीं जो पूरा शरीर छोड़कर सिर्फ गांव पर जाकर बैठती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, कि हम अपने जीवन में लोगों में अच्छाइयां देखते हैं या कमियां देखते हैं। कमियां और खामियां कहां नहीं होती, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, लेकिन यह हमारा नजरिया ही है जो उसकी अच्छाई दिखाता है या उसकी बुराई दिखाता है। गिलास आधा भरा हुआ है या गिलास आधा खाली है, यह देखने वाले का नजरिया ही निर्धारित करता है कि उसे दिख क्या रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर यदि हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है तो वह सकारात्मक नजरिए पर। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी हमारे रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।